उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई। वहीं उसी मुहूर्त पर देश के एक और हिस्से में भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई। जी हां, जिस मुहूर्त में अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई, उसी मुहूर्त में यहां भी कार्यक्रम हुआ और विशाल राम मंदिर की नींव रखी गई। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में और यहां बन रहे राम मंदिर के बारे में सारी जानकारी। अयोध्या की तरह ही मध्य प्रदेश के शिवपुर में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को नींव रखी गई। देवरी धाम पर बनने जा रहे विशाल राम मंदिर निर्माण का अयोध्या के मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ। यहां भी विधि विधान के साथ चांदी की ईंट से नींव रखी गई। एक तरफ जहां अयोध्या दीपों से जगमगा रहा था, तो वहीं पूरा शिवपुर शहर भी दीपों से जगमग हुआ। शिवपुर से 18 किलोमीटर दूर और राजस्थान की सीमा पर चंबल नदी किनारे देवरी धाम मंदिर स्थित है। यहां भगवान बजरंग बली का प्रसिद्ध मंदिर है। इनके अलावा माँ दुर्गा और अन्य देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं। इसी परिसर में अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दरअसल यहाँ के संत महामंडलेश्वर रामदास ने अयोध्या के साथ ही राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया, जो अब पूरा हो गया है। अयोध्या की तर्ज पर करीब 1.5 करोड़ की लागत से यहाँ बुधवार को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। जैसे बुधवार को अयोध्या में दोपहर 12:44 पर प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, ठीक उसी मुहूर्त में देवरी धाम में भी विशाल राम मंदिर का भूमि पूजन जय श्री राम के जय घोष के साथ संपन्न हुआ। इस वक्त यहां का नजारा मिनी अयोध्या जैसा ही नजर आया, क्योंकि यहां पर भी श्रद्धालुओं का लंबा इंतजार अयोध्या के साथ ही खत्म हुआ। इलाके के लोग यहां विशाल राम मंदिर बनने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर को बनाने में करीब 1.5 करोड़ का खर्च आ रहा है और यह राशि देवरी धाम से जुड़े श्रद्धालु और अन्य राम भक्तों द्वारा जुटाई जाएगी। बता दें कि राजस्थान के अलवर के आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। ऐसी भी खबर है कि लगभग 3 साल इस विशाल मंदिर को बनने में लगेंगे। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है, वह स्थान प्राचीन बजरंग बली के मंदिर के चलते प्रसिद्ध है। देवरी धाम श्योपुर के सबसे मनोहरी स्थलों में से एक है। यहाँ भरपूर हरियाली है और पानी के लिए एक बड़ा तालाब है। इस तालाब में मगरमच्छ, मछली से लेकर कई प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं।